आप एक नए यूट्यूबर हैं, आपको पता नहीं कि अपने यूट्यूब चैनल पे आप तीन तरीके से पैसे कमा सकते हैं और आप अपने यूट्यूब वीडियोस का व्यूज़ भी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप पूरी वीडियो देखिए। हेलो गाइस, मैं विवेक अग्रवाल टेक्नो प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो फुल्ली यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर रिलेटेड है। अगर आप एक नए यूज़र हैं, आपको लगता है कि आप आसानी से एक यूट्यूबर बन सकते हैं, तो आप एक गलत सोच रहे हैं। यूट्यूबर्स को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ती है, आपको काफ़ी समय देना पड़ता है। साथ में अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आप यूट्यूबर बन सकते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी एज ए यूट्यूबर एलिजिबल हो सकता है। आप जिस भी टॉपिक पर रिलेटेड वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, आपको हमेशा ही उस टॉपिक से वीडियोज़ बनानी चाहिए। तो पहली बात, आपको पता नहीं होगा कि यूट्यूब आपको पैसे किन तरीक़ों से दे सकती है। तो पहला तरीका है यूट्यूब की जो पॉलिसी के हिसाब से, ये मैक्सिमम जानते हैं, फिर भी मैं आपको एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उसकी। वो है कि आप CPM के तरफ से एक पैसे कमा सकते हैं। CPM का पॉलिसी है ये कि आप किसी भी ऐड जो आपकी वीडियो पे शो होगी, ऐड कोई व्यूज़ पे पैसे नहीं कमाता। अगर कोई ऐड आपके वीडियो पे शो होती है तो उसकी 45% कमीशन यूट्यूब रख लेता है और 55 कमीशन आपको दे देता है 55%। इसके बारे में डिटेल्स में जाने के लिए एक फ्रेंड का मेरा वीडियो है, ऊपर आपको दिखता होगा, आप उससे भी देख लीजिएगा अगर आपको लगे कि इसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है। तो सेकंड जो अर्निंग है वो है बहुत ज़रूरी एक स्मॉल यूट्यूबर्स के लिए। अगर आप अनबॉक्सिंग पे वीडियोस बनाना चाहते हैं या आप बना रहे हैं पर आपको कोई अर्निंग नहीं हो रही है, तो मैं बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ, वो है एफिलिएट का। एफिलिएट बहुत कम आदमियों को पता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप कोई अनबॉक्सिंग वीडियोज़ बनाते हैं, जैसे अगर किसी ने बनाया रेडमी के ऊपर कोई अनबॉक्सिंग वीडियो और उससे ज़्यादा व्यूज़ भी मिले पर अर्निंग तो हुई नहीं कुछ, तो मैं बताने वाला हूँ कि अगर कोई व्यूअर आपको देख के वही रेडमी का किना, तो वो शायद आपके लिंक से किन सकता था ना। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने वीडियोस के नीचे वो लिंक को दे दीजिए, कह दीजिए कि भैया इसका दाम मेरे लिंक से 100 रुपये कम है, आप इस लिंक पे जाओ। तो अगर वो आपके लिंक से उस प्रोडक्ट को किनता है तो आपको उसकी 5% कमीशन मिलती है। जैसे 10,000 का कोई है तो आपको 500 मिल जाएगा, तो काफ़ी आसान था और काफ़ी अर्निंग भी होती है 500 रुपीज़। अगर आपका YouTube बहुत फेमस है तो भी आप इसे कर सकते हैं। थर्ड वे YouTube वीडियो से पैसे कमाने का, वो है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप बहुत कम यूट्यूबर्स को मिलते हैं, जैसे टेक्निकल गुरुजी, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस होने पर मिल जाती हैं, क्योंकि वीडियोस में व्यूज़ आना चाहिए। तो आपको पता चलता ही होगा कि ये कोई भी नॉर्मल यूट्यूबर को नहीं मिले, एक कंपनी फुल की फुल स्पॉन्सर देती है, उसे बहुत पैसे मिलते हैं। तो इसके लिए उस पर बहुत व्यूज़ आते हैं, हर एक वीडियो को अपलोड करते ही आप सोचिए 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर देता है। तो उस यूट्यूबर्स को करना ये पड़ता है कि उसे डेली अपलोड्स करने पड़ते हैं, उसके बारे में 10 सेकंड या 20 सेकंड बोलना पड़ता है उसके बारे में, तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से तो सोच सकते हैं कि यूट्यूब आपको बहुत पैसे देती है, पर यही है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो ये था अर्निंग प्रोसेस। अब आपको यूट्यूब चैनल को फेमस करने के ग्रो तरीके हैं। फर्स्ट हिंट, आप अपने जितने भी वीडियो के टाइटल या वीडियो के कोई टैग्स, ये सब आप कीवर्ड टूल से लीजिए। यह गूगल एडवर्ड में एक अकाउंट बनाइए और उसमें जाके अपने को साइन इन करके कीवर्ड प्लानर में जाके जो भी टाइटल आप बना रहे हैं उसके बाद में सर्च कीजिए, देखिए कितने आदमी उसे सर्च कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन कितना है, तो उसके ऊपर वीडियोज़ बनाइए। अगर कॉम्पिटिशन हाई है तो मत बनाइए, कोई नहीं आने वाला, और अगर कॉम्पिटिशन लो है तो बनाइए, और अगर उसमें कितने ज़्यादा सर्च हो। तो इसके बाद आपको अगर पता नहीं चलता होगा कि वीडियोज़ क्या बनाए क्यों बनाए, तो एक काम कीजिए, आप गूगल ट्रेंड्स में एक अकाउंट बनाइए। गूगल ट्रेंड्स में अकाउंट बनाने के बाद आपको दिखेगा कि आदमी क्या सर्च कर रहे हैं, किसकी सर्चेज बढ़ रही हैं या क्या लेटेस्ट है, तो उस पर आप वीडियोस बना सकते हैं। ये था दो तरीके। अगर आपके पास फ़ोन है तो एक काम कीजिए, आप अपने गूगल क्रोम में जाके डेस्कटॉप साइज कर लीजिए और उसके बाद आप एक अकाउंट बनाइए और यूज़ कीजिए। ये आपको सब के सब तो दिखते ही होंगे साइड में स्क्रीन में। तो इसके बाद आपको ये करना है, इसे दो तरीके। एक और चीज़, अगर आप एक स्मॉल यूट्यूबर हैं और बहुत जल्दी पेशेंस खो दे रहे हैं, तो आप वीडियोस पर डे मत बनाइए। एक काम कीजिए, आप सिर्फ वीकेंड में एक वीडियो बनाइए, काफ़ी काम करेगा। वीकेंड में बनाइए, वीकेंड में बनाने पर आपको व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं और यूट्यूब को लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं। ये था एक तरीका। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट टिप मैं हमेशा देना चाहता हूँ, वो था आपको बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे। मेमोरी जाम हो जाए फिर भी बनाओ भाई, एक ट्विटर में अकाउंट बनाओ, एक इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाओ,
एक फेसबुक पेज बनाऊँ, हो सके तो एक नया फेसबुक प्रोफाइल बनाकर उसमें एक पेज बनाऊँ और चारों के लिंक दो नीचे डिस्क्रिप्शन में। इससे क्या होगा, अगर कोई भी सब्सक्राइबर आपको फॉलो करना चाहे तो फॉलो करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट टिप एक्स्ट्रा ले ले रहा हूँ टाइम, वो है कि आपको आप जो वीडियो बनाते हैं उसी के रिलेटेड और वीडियो वाले के आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सब्सक्रिप्शन से क्या होगा, आपको न्यूज़ फटाक से मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखिए, उसको टॉपिक्स को नमाइए, कुछ एडिशनल डायलॉग्स या उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, उस वीडियो को अपलोड कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके वीडियो में, मैंने लेटेस्ट देखने से यूट्यूब के CEO भी आपको 2-3 नंबर पर डालेंगे। आस्ते आस्ते कोई भी एक वीडियो आपका लग चमका तो आपके सारे वीडियोज ऊपर हो जाएंगे। चलिए थैंक यू, ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप अगर नए हैं मेरे चैनल को, आपको पसंद आया मेरे वीडियोस को, तो आप एक काम कीजिए, मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मेरे दूसरे वीडियोस को देखिए जो डब्बे में दिखते होंगे। चलिए बाय।